Hello you all, welcome back to the channel. So today we are going to make some healthy protein rich breakfast. It's a South Indian delicacy. It's called appe. यहाँ पर मैंने 3 different दाल use किए हैं to make an appe. जो मूंग दाल होते हैं वो बहुत ही protein rich होते हैं. 100 grams of मूंग दाल contains around 24 to 25 grams of protein. So you should include this in your diet. यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग दाल use किए हैं. आप इसकी quantities जो है वो बढ़ा और कम भी सकते हैं. So without any further ado, let's get started with this recipe. सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2/3 कप ऑफ रवा और उसी के साथ ऐड करेंगे 1/2 कप दही. रवा की जो क्वांटिटी है दही से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और जितना हमने दही यूज़ किया है उतना ही क्वांटिटी पानी भी यूज़ करना है. हियर आई हैव टेकन 1/2 कप ऑफ वाटर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें. धीरे धीरे कर कर हम पूरा 1/2 कप ऑफ पानी जो हमने लिया था वो पूरा ऐड कर देना है इसमें. तो कुछ इस तरह का बैटर रेडी हो जाएगा. इसे हमें साइड में रख देना है फॉर अराउंड 10 to 20 मिनट्स, जब तक कि सारा जो रवा है वो पूरा दही और पानी एब्सॉर्ब ना कर ले. यहाँ पर मैंने 3 अलग तरह के दाल लिए हैं फॉर मेकिंग द बैटर. फर्स्ट इज दिस येलो मूंग दाल, द स्प्लिट वंस. सेकेंड उड़द दाल एंड थर्ड इज अ चना दाल. इन सबको मैंने ओवरनाइट सोक किया था. आप चाहे तो इसे 4 आवर्स के लिए वार्म वाटर में भी सोक कर सकते हैं. सारी दाल की जो क्वांटिटीज़ है वो अलग हैं, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. हियर आई हैव टेकन 1 कप ऑफ मूंग दाल, 1/2 कप ऑफ उड़द दाल एंड 1/4 कप ऑफ चना दाल. इसी के साथ ऐड करना है थोड़ा सा अदरक एंड 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा पानी टू ब्लेंड द मिक्सचर इनटू अ वेरी फाइन बैटर. एंड हमारा एक स्मूथ सा दाल का बैटर बनके रेडी हो चुका है. इस बैटर को हम रवा और दही वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे. दाल वाले बैटर और रवा दही वाले मिक्सचर को इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. यहाँ पर मुझे बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी, सो आई हैव एडेड सम वाटर हियर, सो यू कैन ऑल्सो एडजस्ट योर बैटर कंसिस्टेंसी एज पर योर प्रेफरेंस. सिंस द बैटर इज रेडी वी विल ऐड सम वेजीज हियर. 1 whole grated carrot, सम अनियंस. वेजीज मेक्स इट कलरफुल और ये न्यूट्रिशियस भी बन जाते हैं, सो यू कैन ऐड योर चॉइस ऑफ वेजीज एंड सम फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स. और फिर ऐड करें 1 छोटा चम्मच नमक और इन सभी को बस अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है हमें. और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 teaspoon ऑफ इनो. यहाँ पर आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो भी चलेगा, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसे जस्ट बनाने के पहले ऐड करें. इनो डालते ही आपका बैटर जो है वो एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगा. अब हम अपे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जस्ट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन ईच कैविटी. और ब्रश की मदद से इसे हमें थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है ताकि जो अपे हम डालें वो स्टिक ना हो. अब बस सारे कैविटीज़ को हम बैटर से फिल कर देंगे. और इसे कवर करके ऑलमोस्ट 5 to 8 मिनट्स के बीच तक पकाना है हमें. एंड आफ्टर 8 मिनट्स हम इसे फ्लिप कर देंगे. बहुत ही इजीली ये फ्लिप हो जाता है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ गया है. सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे पका लेंगे फॉर अराउंड 5 to 8 मिनट्स. एंड नाउ अगेन आफ्टर कुकिंग दिस फॉर अराउंड 6 मिनट्स आर क्यूट लिटिल अपेज आर रेडी. टेक देम आउट ऑन अ प्लेट एंड नाउ लेट्स मेक द चटनीज. द फर्स्ट इज दिस पीनट चटनी, जिसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 1/2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट, 2 बड़े चम्मच चना दाल एंड 1/4 कप ऑफ रोस्टेड एंड पील्ड पीनट्स. उसी के साथ ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा नमक और उसी के साथ थोड़ा सा पानी टू ब्लेंड दिस एंड ब्लेंड दिस नाइसली सो दैट यू गेट अ नाइस चटनी. एंड हमारा फर्स्ट चटनी जो है वो रेडी हो चुका है, द पीनट चटनी इज रेडी. लेट्स मूव टू द सेकेंड, द स्पाइसी कारा चटनी. फॉर दैट टेक सम ऑयल इन अ पैन. लहसुन, अदरक, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल और चना दाल, इन सबको हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है. एंड देन ऐड 1 onion एंड टमेटोज रफली चॉप्ड. अलॉन्ग विथ दैट ऐड सम ग्रेटेड कोकोनट एज वेल. और फिर इसे हाई फ्लेम पर हमें भुनना है. अब इसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्ची. यू कैन ऑल्सो ऐड काश्मीरी रेड चिलीज हियर बिकॉज उससे कलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा.
अब इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद हम पीस लेंगे विथ सम नमक एंड सम सोक्ड इमली. एड सम वाटर एंड ब्लेंड दिस एंड आवर स्पाइसी कारा चटनी इज रेडी. और इसे भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे. अभी हम इन दोनों चटनी के लिए एक तड़का बना लेंगे. फॉर द तड़का टेक 1 tablespoon ऑयल इन अ पैन और अ तड़का पैन. तेल गर्म होने के बाद ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल. कुक दिस अंटिल इट गेट्स लिटिल ब्राउन. ऐड 1 राई रेड चिली और उसी के साथ बहुत सारा कड़ी पत्ता. नाउ पोर दिस तड़का ओवर द चटनीज एंड मिक्स देम. सर्व दिस हॉट एंड सॉफ्ट अपेज विद दिस डिलीशियस चटनीज, द स्पाइसी कारा चटनी एंड द पीनट चटनी. एंड टाडा, इट्स रेडी. एंजॉय योर डिलीशियस ब्रेकफास्ट. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रेसिपी. आप यहाँ पर दाल की बैटर की जगह पे राइस का बैटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो यूजुअली हम डोसा और इडली बनाने में यूज़ करते हैं. ये उससे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं. आई हैव ऑल्सो शेयर द रेसिपी ऑफ 2 चटनीज, सो आप उसमें से कोई भी दोनों में से एक ट्राई कर सकते हैं. दोनों ही बहुत ही डिलीशियस बनते हैं. एंड नाउ कम्स दिस मैजिकल कुकवेयर जो एक अप्पे पैन है. इसमें आप कोई भी जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उसे बिना ऑयल के इसमें भी बना सकते हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन अ हेल्दी डाइट. जो आपको भी पसंद है आप इसमें ट्राई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मच ऑयल. लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रेसिपी. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट येट. टिल देन, हैप्पी कुकिंग.